हार्दिक पंड्या की कैसे खुल गई पोल? क्या एक्स वाइफ नताशा ने निकाली भड़ास या फिर नई गर्लफ्रेंड ने रची साजिश? एक टैटू की वजह से मुसीबत में फंस गई ऑलराउंडर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना दानू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पोर्ट्स आर्ट पर। भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के आशिकी के चर्चे खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी तक उनके डिवोर्स को लेकर खबरें थमी भी नहीं थी कि नई गर्लफ्रेंड भी चर्चाओं में आ गई। पिछले कुछ महीने से लगातार हार्दिक पांड्या को लेकर कुछ न कुछ खबर लगातार सामने आ रही है। कभी वो प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़े होते हैं तो कभी पर्सनल लाइफ में पत्नी और गर्लफ्रेंड से। और अब तलाक के बाद हार्दिक को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है उसके पीछे उनकी खुद की एक बड़ी गलती बताई जा रही है। और वो गलती है उनके हाथ में टैटू होना, जिसने उनका कच्चा चिट्ठा खोलकर सबके सामने रख दिया है। हाल ही में खबर आई थी कि हार्दिक पांड्या ब्रिटिश सिंगर जैस्मीन वालिया को डेट कर रहे हैं और दोनों ने ग्रीस में हॉलीडे भी साथ में एंजॉय किया, जिसके बाद दोनों की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई, जिसमें हार्दिक और जैस्मीन वालिया एक ही लोकेशन पर नजर आए। साथ ही हार्दिक ने जैस्मीन वालिया की कई फोटोज और पोस्ट लाइक भी किए थे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बड़ी वजह थी जिसने दोनों के डेट करने वाली खबरों को तूल दिया, और वो था एक टैटू। इस एक हिंट ने फैंस के कई डाउट क्लियर कर दिए। दरअसल सोशल मीडिया पर जैस्मीन वालिया की एक तस्वीर खूब शेयर की जा रही है और इस तस्वीर में जैस्मीन किसी स्विमिंग पूल के पास लेटी हुई नजर आ रही है। साथ ही उनके पास कोई और भी लेटा हुआ है। हालांकि उस शख्स की पूरी तस्वीर तो नहीं है, ना ही उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन उस मिस्ट्री मैन का हाथ और उसमें बना टैटू साफ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, उस मिस्ट्री मैन का टैटू हार्दिक पांड्या के हाथ के टैटू से मेल खा रहा है। इस एक टैटू ने हार्दिक और जैस्मीन दोनों के डेटिंग की खबर को मुहर लगा दी है। हालांकि अभी तक हार्दिक पांड्या ने ना ही अपने तलाक की वजह और ना ही जैस्मीन वालिया को लेकर कुछ कहा है। इन सभी मुद्दों पर अब तक सभी चुप्पी साधे हुए हैं, यानी कि अभी तक सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं। इन सब के बीच हार्दिक के कैरेक्टर पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पत्नी नताशा से तलाक लिए एक महीना भी नहीं हुआ कि हार्दिक दूसरी लड़की को डेट करने लगे हैं और उसके साथ छुट्टियां बिता रहे हैं। इस बीच नताशा ने भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर दी थी जिससे हार्दिक पर चीटिंग अब्यूजिंग जैसी चीजों को लेकर इल्जाम लग रहे थे। नताशा ने सोशल मीडिया पर चीटिंग अब्यूजिंग टॉक्सिक रिलेशन से जुड़े कुछ पोस्ट लाइक किए, जिससे ये साफ हो गया कि हार्दिक ने नताशा को धोखा दिया है। खैर, मामला क्या है वो अभी आधिकारिक तौर पर नहीं बताया गया है और ना ही इसे लेकर किसी ने चुप्पी तोड़ी है। अब बस सभी को इंतजार है कि हार्दिक अपने नए रिश्ते को लेकर चुप्पी कब तोड़ते हैं। वैसे आपको हार्दिक और उनकी नई गर्लफ्रेंड को लेकर क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं।